नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो है एयर इंडिया में, और ये है नॉर्थन रीजन में दोस्तों, और ये है कैटरिंग एजेंट का, और वो इसमें इंटरव्यू बेसिस पे लिया जाएगा, और ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है दिल्ली में। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है दोस्तों कि कितना वैकेंसी है। एसटी में 2 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 3 है, जनरल में 8 है, टोटल है 14। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है क्या क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री 3 ईयर डिग्री और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन एक्सेल वर्ड एमएस आउटलुक ईटीसी इज डेजिरेबल। एज लिमिट दिया हुआ है, ये मामलेमेंट बोल रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, और एनुअल इंक्रीमेंट दिया हुआ है कितना है, 250 पर मंथ इन द बेसिस पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ ऑफ सर्विस, DAHR अदर अलाउंसेस एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड PF विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। टर्म ऑफ इंगेजमेंट है और प्लेस टाइम एंड वेन्यू है। देखिए वेन्यू दिया हुआ है कम्युनिटी सेंटर एयर इंडिया हाउसिंग कॉलोनी वसंत विहार न्यू दिल्ली, और डेट है 9/1/2019, टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें इसको, तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया हो वो आपको मेंटेन करना होगा, और आपको ये सब चाहिए, प्रूफ ऑफ 10 डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 2 रीजन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दोस्तों और यहाँ पे एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जाना है, और उसका जेरोक्स भी ले जाना है वेरिफिकेशन के लिए, और 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो कि पे अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ऑफ 1000 इन द फेवर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड और पेएबल एट दिल्ली, और ये जो अमाउंट है वो है नॉन रिफंडेबल है अगर कैंडिडेट अगर फिजिकल मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो उनको ये रिफंड नहीं किया जाएगा। जनरल कंडीशन है, जनरल कंडीशन है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे और वो मेडिकली फिट रहेंगे तो उनको रखा जाएगा, और कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, अगर वो गलत होते हैं तो उनका कैंडिडेचर जो है वो लियेबल टू बी रिजेक्टेड, एंड इफ अपॉइंटेड सर्विस टर्मिनेटेड विदाउट गिविंग एनी नोटिस और रीजन बिफोर। ठीक है, अगर जो भी ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, उनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा ओबीसी सर्टिफिकेट, और जो कि 6 मंथ ओल्डर नहीं हो, 6 महीने पहले से नहीं हो। वहीं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं लोग, उनको 2nd क्लास रिटर्न रेल बस फेयर मिलेगा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से। यहाँ देखिए लिखा हुआ, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको वो आ सकते हैं इंटरव्यू में। दोस्तों और ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।